अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और सामने आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। ये लाइट्स जो हैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में टीमें पहुंच रही हैं, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें। इस वक्त ग्राउंड की तरफ गामजन है, दोनों टीमें जो हैं वो ग्राउंड में आ रही हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है इनकी, तो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रही हैं। ये देखें काफ़ी लंबा कानवाई होता है, एक पायलट गुजरता है, ये पता नहीं होता कि टीम इस कानवाई में होगी या अगले कानवाई में होगी। टीम इस कानवाई में नहीं है, अभी एक और कानवाई आएगा उसमें टीम होगी। ये एक पायलट टाइप था कि सिर्फ टीमों इसमें हो या उसमें हो, किसी को पता ना हो कि टीम किस रूट के ज़रिए यह है, किस कानवाई के अंदर जो है वो टीम आ रही है। तो ये इस कानवाई में टीम नहीं थी। ये देखें जी, अब दूसरा कानवाई आ रहा है, इसमें टीमें होंगी। आपको क्लोज करके खिलाड़ी भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे खिलाड़ी भी आपको नज़र आएँ। टीमों की सिक्योरिटी दिखाएंगे। ये टीमें स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रही हैं। ये CTO की गाड़ी, ये ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है मुल्तान के, उनकी गाड़ी है। उसके पीछे पीछे जो है वो टीमों की गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसके आगे पहले एलीट फोर्स की गाड़ियाँ हैं, इसके बाद टीमों की बसें हैं। ये गाड़ियाँ थोड़ी स्लो आ रही हैं, स्टेडियम की तरफ गाड़ियाँ मूव होंगी। एक दो बसों में पाकिस्तानी प्लेयर्स होंगे, दो बसों में नेपाल की टीम्स होंगी, क्योंकि उसमें कोचिंग स्टाफ भी होता है, बाकी टीम स्क्वाड भी होता है। तो ये देखें ये दो बसें, ये आपको बाबर आजम नज़र आ रहे होंगे, ये कोच, ये पाकिस्तानी टीम, और ये देखें ये टीम के अंदर जा चुकी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये रेंजर्स की टीम है। और आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।